हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज 19 तारीख है और शनिवार का दिन है, तो मैं सुबह सुबह आज वॉकिंग नहीं गया हूँ, तो मैं नहा धो के रेडी हूँ जी। मैं अपने काम से निकल गया हूँ, आप देख सकते हैं मैं फ़िलहाल बाइक पे हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। आज मेरे दोस्त ने एक बड़ी अच्छी बात कही है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो जीवन के बारे में था कि आप केवल एक ही बार जीते हैं, लेकिन अगर सही से जिए तो एक ही बार काफ़ी है, क्योंकि मृत्यु से डरो नहीं बल्कि जो ज़िंदगी अभी नहीं जी है उसके लिए डरो। तुम हमेशा के लिए नहीं जीना है, तुम्हें बस जीना है। प्रयास करने वाला इंसान एक बार गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाले लोग जीवन भर गिरते हैं। तो जीवन में आप ट्राई करते रहिए, कभी ना कभी आपकी लाइफ को सक्सेस मिलेगा। अभी हम फिलहाल आगे निकल गए हैं, आप देख सकते हैं फिलहाल मैं बाइक में हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। अभी हम न्यू टाउन साइड में जा रहे हैं, हम देख सकते हैं मैं अभी न्यू टाउन होते हुए जाऊँगा और मेरे को लिपटाउन भी जाना है। बांगुर में भी कुछ काम है, तो मैं वो करते हुए आज मेरे को न्यू टाउन भी जाऊंगा। मैं आपको कुछ फ्लैट्स भी दिखाऊंगा जो कि न्यू टाउन में रहेगा। अब उसको अभी रेडी नहीं हुआ, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तब ख़रीद सकते हैं। अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मेरी टीम आपसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करेगी। फिलहाल हम चिनाब पास से बांगलुर की ओर जा रहे हैं। अभी देख सकते हैं ब्रिज सब जो अभी ये ब्रिज दरिया से एयरपोर्ट तक बनेगा, जो 32 किलोमीटर का लगभग होना चाहिए, जिससे हर आदमी को सुविधा हो जाएगा आने जाने के लिए। एक घंटे के भीतर गलिया से एयरपोर्ट पहुंच सकता है। अब हम आगे बढ़ते और VIP की रोड जाएंगे। ये चांदना हॉस्पिटल है, इसके बगल से हम निकलेंगे VIP रोड के लिए। आप देख सकते हैं फिलहाल मैं बाइक में हूँ और आपको नज़ारे का ये देखिए पेड़ वेड़ रास्ते में। चांदना हॉस्पिटल हम जस्ट अभी क्रॉस किए हैं, ये देखिए फिलहाल हम चांदना हॉस्पिटल क्रॉस करके VIP रोड पे आ गए हैं। अभी हम फिलहाल तिगड़िया की ओर जा रहे हैं। बिराटी BVT बस भी आप देख पाएंगे, यहाँ पे कई होटल्स अभी है, कई रेस्टोरेंट भी है और कई बार भी हैं। हम लोग अब और आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं, एंजॉय करते हुए। फिलहाल हम बागू हाथी से बीच पे चल रहे हैं जो हमको चंदम पार्क में उतार देगा, वहाँ से हम डायरेक्ट बांगू चले जाएंगे। आपको वहाँ का नज़ारा भी दिखा रहे हैं बीच पे चढ़ के, तो आप इस नज़ारे का एंजॉय करिए। मैं अभी क्लाइंट के ऑफिस में आ रखा हूँ, आप देख सकते हैं उनके ऑफिस में ये एक्वेरियम का बॉक्स है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी इसका देख के आप भी इंजॉय करिए। देखिए बहुत सारी मछली हैं इधर उधर जा रही है, अपना इंजॉय कर रही है। इसी तरह आप भी अपने लाइफ में अपने आप को इंजॉय में रखिए। मैं बांगुर का काम ख़त्म कर मैं अभी फ़िलहाल न्यू टाउन में 16 नंबर टंकी के पास है, यहीं पे ये फ्लैट बन रहा है। अगर आपका कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो बताइएगा, 2 BHK और 3 BHK अवेलेबल है और ये 16 नंबर टंकी के पास न्यू टाउन में ही है। ये आप देख रहे हैं इसका G+2 का बिल्डिंग खड़ा हो चुका है और ये 6 महीने के भीतर खड़ा हो जाएगा। तो आपका कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो कॉमेंट ज़रूर करिएगा। फ़िलहाल आप देख सकते हैं हम अभी फ़िलहाल न्यू टाउन में कूलर के दुकान में, कूलर इसका नाम ही है, इसके दुकान में आए हैं चाय पीने के लिए। यहाँ पे चाय का कीमत है, छोटे चाय का 15 रुपया और बड़े चाय का 25 रुपया, तो आप भी आके यहाँ पे चाय पी सकते हैं। देखिए हम यहीं पर हैं, अभी कूलर के पास ही हैं, अभी जस्ट चाय पिया है, चाय अच्छा ही था, ख़राब नहीं बोला जा सकता, और वो पी के अब हम आगे की ओर निकलेंगे। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज गर्म बहुत है, तो सुरक्षित रहिए, अच्छे से निकलिए, सेफ में निकलिए। ये देखिए अपने दोस्तों के संग मिक्स करके मूली खाने का मज़ा ले रहा हूँ। ये देखिए मूली भुजिया और इसमें कई चीज़ मिले हुए हैं, इसको भी खाएंगे और सब कुछ मिक्स करके। ये देखिए इसमें सब मसाले वसाले आलू प्याज सब मिला के देखिए। मूली खाने के बाद जा रहे हैं, मैं आपको चिनाब पार्क का नज़ारा दिखा रहा हूँ। शाम का टाइम 7 बज रहा है, मेरे को चिनाब पार्क से हम लोग आगे निकल रहे हैं। यहाँ कई बैंक्वेट हॉल है, रेस्टोरेंट्स भी हैं, ढाबा भी है, आप यहाँ आके खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये आपको मैं चिनाब पार्क के नज़र का नज़ारा दिखा रहा हूँ। फिलहाल हम VIP स्वीट्स को क्रॉस करेंगे, मिठाई का अच्छा दुकान है। उसके बाद देखिए आज बारिश भी नहीं है लेकिन गर्म बहुत है, कहीं पे बारिश होने की संभावना नहीं दिख रही है। देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेरा है देखिए, और आगे बढ़ते हुए चिनाब पार्क क्रॉसिंग पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे एक स्टार प्रोजेक्ट भी है। हेलो जी, मैं घर पहुँचने वाला।
वाला हूँ। अभी मैं फ़िलहाल कंप्यूटर पे आ गया हूँ, अभी रात के 9 बज गए हैं। तो आप मेरे चैनल